हेलो अमेजिंग पीपल, कैसे हैं आप? अपने एंजॉय करते रहिए हम और आप। सो आज मैंने जो है वो टी शर्ट मंगाया था, आपने लास्ट ब्लॉग में देखा होगा, तो ये टी शर्ट मैंने यहाँ पे डाल ली है, जेरी माउस वाली। सो ये मतलब काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, तो ये टी शर्ट जो है, और मतलब रेड कलर की टी शर्ट जो है वो मेरे पास थी भी नहीं, तो इसीलिए जो है मैंने रेड कलर की टी शर्ट जो है वो ऑर्डर करी। सो लाइट कलर की जो शेड्स है वो भी मैंने स्टार्ट किए हैं पहनने, जैसे वाइट है, वाइट तो मेरा फेवरेट है, ब्लैक भी फेवरेट है, ब्लू भी फेवरेट है, तो बट ये जैसे रेड कलर है, ग्रीन कलर है, या जैसे और जैसे ऑरेंजिश टाइप का जो कलर है, येलो कलर है, तो ये सारे कलर्स अब थोड़े मतलब अच्छे लग रहे हैं, तो कलरफुल टी शर्ट्स भी अब मैं डालने की या मंगवाने की कोशिश करूँगा। मैंने लंच कर लिया है और मतलब दही वगैरह तो नहीं खाया है, तो मैं चाहता हूँ कि जैसे आज मैं जो राज कचौरी है हमारे जोधपुर की फेमस, तो वो मैं खाऊं, तो वो मिलती है, तो वो मैंने अभी जोमेटो पे ऑर्डर करी है। तो फ़ोन आया है और वो मतलब यहीं कहीं खड़े हैं, तो मैं देखता हूँ। ठीक है ना, पेमेंट तो दिया। खाली है फेमस राज कचौरी और इसे मैं खाऊंगा। सो खाना तो मैं खा चुका हूँ जैसे मैंने आपको बताया, और अब जो है दही वगैरह नहीं खाया था, और गर्मी की शुरुआत जो है मतलब बढ़िया राज कचौरी से करते हैं। मतलब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें डाली हुई है, जैसे ये सेवें हैं, दही वगैरह है, और ऊपर ये क्या क्या है ये मुझे इतना ध्यान नहीं, बट इनका जो टेस्ट है वो काफ़ी मतलब अच्छा आता है। वो का वो टेस्ट। जस्ट फिनिश्ड राज कचौरी, और जब मैं लंच करने के लिए जाता हूँ तो जैसे स्टोर के यहाँ पर मैं एक ये छोटा सा ही चिपका के जाता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं इस पर सिंपली लिखा होता है एट लंच इफ अर्जेंट, और मेरे जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो लिखे हुए हैं। सो आप भी कभी स्टोर पे आओ और आपको ये बोर्ड दिखे, तो जनरली मैं खाने ही गया हूँ, तो थोड़ा सा सब्र आप कर सकते हो। जिन डमी भाई साहब को, जो ये मेरा फर्स्ट डमी था जब मैंने स्टोर ओपन किया था, तब ये मेरा जो फर्स्ट डमी था, तो इसके अंदर मतलब यहाँ पे जो क्या कहते हैं व्हील्स लगे हुए थे नीचे, तो और जो इसको मतलब ऊपर नीचे शिफ्ट करने के लिए एक वो पैडल लगा हुआ था, तो वो तो समय के साथ में वो टूट गए कर गए, और ये डमी बचा है, तो इसे जो है आज मैं मतलब वो जो हंटिंग शर्ट वगैरह जो लगा हुआ था वो मैंने हटाया है, और अब मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं क्या पहनाऊँ नया, मतलब कुछ गर्मी के हिसाब से ही कलेक्शन जो है वो पहनाऊँगा इसे। और ये डमी जो है जो बाहर लगा हुआ है, ये डमी तो बाद में लिया था, मतलब ये डमी जो है अभी मतलब 2 या 4 महीने पहले मतलब ये डमी लिया था, तो ये काफ़ी एंटीक पीस था, और एक डमी मुझे और चाहिए था, तो जहाँ से मैं डमी लेता हूँ रेगुलरली, उन्होंने मतलब कहा था कि ये एंटीक पीस मतलब एक तरह से आपके लिए ही बचा हुआ है, तो इसके अंदर मतलब ये 4 लेग्स है, 1, 2, 3 और 4। यूजुअली डमी के अंदर जो है वो 3 लेग्स आते हैं, इस तरह के जो डमी होते हैं। और कलर भी मतलब मैं मतलब ये वाइनिश कलर है, ये मरूनिश कलर भी नहीं है, मतलब वाइन कलर इसे आप कह सकते हैं, ना ये रेड में है ना ये मरून में है, और मतलब अच्छा एंटीक वुड का इसका जो है वो लुक है। ये जो भाई साहब है ये फुल डमी है, ये फुल डमी भी जो है मैंने जब स्टोर ओपन किया था उसके साल भर बाद में मैंने ये फुल वाला लिया था, क्योंकि जैसे ये वाला डमी जब मैंने लिया तो इसके अंदर सिर्फ अपर की ही ड्रेस आप पहना सकते हो, बट इसके ये मैंने इसीलिए लिया था पर्टिकुलरली क्योंकि इसमें जो ट्राउज़र वगैरह है वो भी मैं डिस्प्ले के अंदर जो है लगा सकता हूँ, तो ये पूरा अलग हो जाता है, दोनों हाथ अलग हो जाते हैं, ऊपर से चेस्ट वगैरह का पार्ट है वो अलग हो जाता है, तो सिर्फ मतलब नीचे जो है वो टांगे लगती है, तो मैं पहले टांगे का भी डिस्प्ले करता था, जैसे हमारे जैसे ब्रिजेस हो गया, ट्राउज़र हो गया, वो सब डिस्प्ले करने के लिए, बट अभी इसको फुल कुर्ता पजामा पहना रखा है, और ये जो कैप है ये भी मतलब पहना रखी है। देखना है इसको भी को मैं छेड़ता हूँ, ये यहाँ पे बैठा है, इसको मैं हिलाऊँगा, देखना है यहाँ से, तो ये इधर उधर देखेगा, देखना है। अरे यार ये तो यहीं पे आ गया, चुप, इसको भी वहाँ देख, तो कौन है कालू, देखना है, ये देखो देगा। क्या आवाज़ आ रही है इसको भी, हाँ क्या आवाज़ आ रही है, हाँ देखिए कितनी क्यूटली सो रहा है और कितनी क्यूटली देख रहा है, हाँ क्या देख रहा है इसको भी, क्या देख रहा है, हाँ ऐसे सो रहा है और सोने भी नहीं देते हैं तेरे को, हैं ओह देखा इसको, देखा इसका एक्सप्रेशन, इसकी आंखें सब कुछ समझा देती है यार। इसको भी को वापस डराने देखना, हाँ अब आ गई है चाय, अब बॉर्नविटा वाले कप में, तो इसे पीते हैं। इसको भी आजा, ड्रेस पहनो, अरे इधर ड्रेस पहनो, पहले ड्रेस पहनेगा, बाहर चलते हैं घूमने, चलो। अब स्कूबी को घुमाने का टाइम हो गया है, चले कहाँ चलेगा, घूमने चलेगा क्या आज, नहीं
इसको भी आज नहीं घुमाएंगे, नहीं 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 चले, चलो 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 भाई, बहुत सीधा है। मेरे शूज़ यहीं पे रखता हूँ, एक ये वाले शूज़ अभी मैंने मंगवाए थे, तो ये तो मतलब मैं कभी कभी पहनता हूँ, बाकी डेली यूज़ के अंदर जो है ये वाले पहन लेता हूँ। तो स्लीपर्स को मैंने रख दिया है साइड में और अब हम स्कूबी को घुमाएंगे। अरे यहाँ यहाँ पे गुड बॉय करेंगे, चलो चलो। गुड बॉय कौन करेगा? गुड बॉय ये देख, गुड बॉय, ये गुड बॉय है, गुड बॉय। तो अब इसके ये जो बेल्ट है ये उतार दो। अरे कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ले दे। अब ये यहाँ से अपने आप उतारेगा, देखना। ले दे मेरे को दे, हाँ बस, बहुत बढ़िया। सो स्कूबी को घुमा दिया है और फिर कोई अर्जेंट काम से मुझे बाहर निकलना पड़ रहा है, तो चलिए आप भी चलिए मेरे साथ में। हालांकि वो काम तो मतलब यही है कि जो मतलब दो तीन चीज़ें हैं वो लेके आनी है शॉप के लिए, और एक क्लाइंट का ऑर्डर है वो पूरा जो है वो लेके आना है। तो मतलब अभी शाम का ही टाइम है, क्योंकि अभी मैंने आपको जैसे बताया था कि मतलब बहुत मतलब रश चल रहा है अभी काम का, इसीलिए क्या है कि जैसे ईद का काम जो है, रमज़ान का काम है, वो भी चल रहा है, इसीलिए मतलब थोड़ा सा भाग दौड़, थोड़ा सा रश रहता है। तो मैं फटाफट से जाके आता हूँ और मैं आपको बताता हूँ। सो अब निकल गए हैं बाहर और ये सामने आप जो लाइटिंग वगैरह देख रहे हैं ये काफ़ी अच्छी लग रही है। तो ये मतलब अभी जो मीठी ईद आने वाली है उसके हिसाब से लाइट्स वगैरह सब लगा रखी है, तो डेकोरेशन काफ़ी अच्छा है और बहुत ही मतलब लाइट्स वगैरह मतलब ऐसी इस टाइप से मतलब लगती है, तो काफ़ी मतलब यूँ अच्छा लगता है। तो ये आप देखो ठेठ तक लगी हुई है, ठेठ मतलब आगे तक, और आगे भी ये इस तरह से जो लाइट्स वगैरह जो है बहुत ही अच्छी लग रही है। सो वो लाइटिंग के बाद में ये जो नागोरी गेट सर्कल है यहाँ पे भी मतलब एक्चुअली आज भीमराव अंबेडकर जयंती है, तो इसीलिए मतलब ये यहाँ पे लाइटिंग वगैरह जो है पूरे सर्कल, मतलब इस सर्कल को भीमराव अंबेडकर सर्कल ही कहते हैं, एक तरह से अंबेडकर सर्कल भी कह सकते हैं, नागोरी गेट सर्कल भी कहते हैं, जो पहले नागोरी गेट सर्कल से ये नोन है। और कोई मतलब शो वगैरह भी होने वाला है शायद जाके। जस्ट मैं भी आ गया हूँ, जो काम था वो पूरा हो चुका है और अब जो है फटाफट से मैं कपड़े चेंज करूँगा और फिर मतलब जो है खाना खाऊँगा। सो सुबह से ये मतलब कपड़े पहने हुए होते हैं, जीन्स वगैरह, तो उसमें काफ़ी मतलब वो पैक पैक लगता है। सो मतलब शॉर्ट्स वगैरह पहन के काफ़ी ईजी फील होता है, मतलब वही है जैसे अब तो मतलब 9 बजी है, तो अब क्या है कि जैसे खाना वगैरह खाएंगे। तो इसी डिनर के साथ मैं इस ब्लॉग को मैं एंड करता हूँ। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।